यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला टॉपिक ये है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी लीनियर मोशन में है, देखो दो टाइप की मोशंस हैं, एक लीनियर मोशन है, ठीक है, एक टाइप की मोशन जो है वो लीनियर मोशन है, और एक टाइप की मोशन कैसी है, एंगुलर मोशन है। एंगुलर का मतलब क्या होता है, मूविंग इन अ सर्कल, ठीक। स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय थीटा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। अब अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो लीनियर वेलोसिटी dx by dt, और इसमें घूमने की वेलोसिटी का मतलब कितनी तेजी से एंगल कवर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगी लीनियर एक्सेलरेशन। इसमें क्या आएगा, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूं तो मेरे पास क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो काम इसमें ए करता है वो काम इसमें अल्फा करता है, जो काम उसमें वी करता है वो काम उसमें ओमेगा करता है। ये पॉइंट क्लियर है पहले तो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो टर्म आपने याद रखनी है, नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना, बोलो सर, आपकी वीडियो विजिबल नहीं है। ठीक है, अब आ गई, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट था जो अभी हमने डिस्कस किया। मैंने बोर्ड पर बस यही लिखा है, अभी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। जो हमने सर्कुलर स्टार्ट किया था यहीं से स्टार्ट किया था ना, कि x की जगह थीटा, v की जगह ओमेगा और a की जगह अल्फा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इस चैप्टर में जब आप टाइप ऑफ मोशंस की बात करते हो, लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है, s इज इक्वल टू वी टी। इस चैप्टर में अगर कोई बॉडी कांस्टेंट ओमेगा के साथ घूम रही है तो ओमेगा अगर मान लो कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा अगर मान लो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में, तो इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू इंटू ए इंटू एस, या फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, राइट। तो इस चैप्टर में क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। उसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू एल्फा इंटू थीटा, ए की जगह एल्फा, एस की जगह थीटा। और उसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज भी क्लियर है सबको, ठीक है यहाँ तक। पर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम की बजाय फोर्सेस वाली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें इक्वेशन बनानी होती है, तो वहाँ पर भी पहुँचेंगे अभी। एक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए इसमें, वो क्या, जो ओमेगा होता है जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसका जो ओमेगा है वो हमेशा क्या होता है, टू पाई बाय कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज एक चक्कर का टाइम, एक रेवोल्यूशन का टाइम इज कैपिटल टी। तो ओमेगा क्या होगा, टू पाई बाय कैपिटल टी। ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है इसमें, वन अपॉन टाइम पीरियड। ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल टी। ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, न्यू इज इक्वल टू वन बाई टी, राइट, क्लियर है यहाँ तक। फिर क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाई टी है तो 2 पाई इंटू 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है। तो मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यू आपको गिवन है 4 RPS, RPS का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो वो फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ से सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं इस फॉर्मूले से, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये फॉर्मूले में जब आप फ्रीक्वेंसी को पुट करते हैं कितना, 4, तो 8 पाई इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, रेडियंस पर सेकेंड,
ये भी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू आएगी। कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है 4 RPM। RPM का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी 4 अपॉन सबसे पहले 60 करके, पर मिनट को 60 करके RPS में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद ओमेगा की वैल्यू आएगी जो कि 2π × 4/60 रेडियंस पर सेकंड के इक्वल होगी। ये भी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास ओमेगा की। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज जो इसमें यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूलाज हैं। अब अगला पॉइंट समझते हैं इसमें। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि लेट अस सपोज आपके पास कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है। तो जब सर्कल में घूमती है तो बॉडी की जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल, अपनी डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज करती है। तो क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी विल रिमेन सेम। ये भी क्लियर है यहां तक? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी की वैल्यू तो इसमें चेंज हो ही नहीं रही इसमें, राइट? ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी सेम है, लेकिन सर्कल में घूमने के लिए आपको एक एक्सलरेशन चाहिए होती है, जिस एक्सलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रिपिटल का v² / r। ये भी क्लियर है यहाँ तक? v² / r। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होने का जो रीजन है, रीजन ये क्यों एग्जिस्ट करती है? ये इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि वी वेक्टर अपनी क्या चीज चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि वी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये इसलिए एग्जिस्ट करती है वी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब भी वी की डायरेक्शन चेंज होगी, जब वी की डायरेक्शन चेंज होगी तो एक एक्सलेशन आ जाएगी जिसका नाम है सेंट्रिपिटल एक्सलेशन, जो कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है यहाँ तक? टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, एक v² / r या फिर दूसरा फॉर्मूला r × ओमेगा का स्क्वायर, v² / r या r ओमेगा²। और अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं बॉडी के, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? mv² / r या सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूलाज क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूलाज जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, जब हम बहुत डीप में पढ़ लेते हैं तो चैप्टर ना मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? बहुत डीप में एक एक चीज़ डिस्कस हो रही होती है। लेकिन देखो, अगर ऊपर ऊपर से पढ़नी हो कितनी आसान है। मैं आऊँ क्लास में, मैं कहूँ देखो जी ये सेंट्रिपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला है, आपको डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपको हाँ नोट्स बन गए, बढ़िया हो गया। बट क्योंकि आप सेकेंड टाइम भी कर रहे हो या थर्ड टाइम करते हो या दो बार करते हो, खुद पढ़ के भी आते हो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ तक पहुँचने में एक लेक्चर लग गया था, सेकेंड टाइम करने में आपको पता है वो चीज़ें समझने की थी, करने की नहीं थी, बस आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, और मेन फॉर्मूलाज ये हैं। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, इसके अंदर अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? जैसे साइकिलिस्ट का बेंड होना है ना, कार का लेवल रोड पे घूमना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी। जो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है, याद रखना, उसको वो कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड सेंटर, रेडियस के अलोंग। तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन की जगह दूसरा नाम जो लिया जा सकता है वो है रेडियल एक्सलरेशन। तो सेंटिपिटल या रेडियल वर्ड एक ही बात है। अगर आपको टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिले रेडियल एक्सलेशन, प्लीज ये मत पूछना सर करवाई नहीं है, सेंट्रिपिटल ही है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज, अगर कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, नो डाउट उसमें क्या होगी? सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन। और कोई भी बॉडी अगर अपनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है, तो कौन सी एक्सलेशन आएगी? टेंजेंशियल। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो ओनली सेंट्रिपिटल, और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो सेंट्रिपिटल भी है और टेंजेंशियल भी है। तो ऐसे केस में वेक्टर सम आ जाएगा, ये वेक्टर सम है। तो नेट एक्सलेशन की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है इसमें। कोई डाउट इसमें?
तो ये भी क्लियर है यहाँ तक। तो इसके ऊपर टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें अंडर रूट में ऑप्शन दिखेंगी। आप समझ जाना कि यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पक्का एक्ट करती होगी, तभी नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट में आ रही है। दो दो इस तरीके से दिखेगी आपको, मैंने क्वेश्चन डाला है इसलिए बता रहा हूँ। तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल दोनों इसमें काम कर रही है। वो हाँ ये भी हिंट दे सकता हूँ कि इसके अंदर सेंट्रीपिटल में वी स्क्वायर बाई आर तो पक्का ही मिलेगा आपको ऐसे। दूसरा क्या मिलेगा वो आपको वेट करना पड़ेगा कल की तरह, आप कल देखना उसमें क्या होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ तो खुद भी करोगे, आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, राइट। दूसरा, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की थी कि साइकिल वाला बेंड हो रहा है ना, वो लेवल रोड पे कोई ऐसे घूम रहा है। हर बॉडी जब सर्कल में घूमती है तो कोई ना कोई तो उसे प्रोवाइड करता ही है सेंट्रिपिटल, कोई तो करेगा। किसी को फ्रिक्शन करती है, किसी को टेंशन करती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ बस, और किसी को नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट करता है। तो किसको क्या करता है इसको डिस्कस करने का काम करते हैं जब हम साइक्लिस्ट की बात करते हैं। तो साइक्लिस्ट में होता क्या है, कोई भी अगर एक साइक्लिस्ट है, आप डायग्राम प्लीज साथ साथ बनाएं ताकि आपको फोर्सेस की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वर्टिकल है, तो आपका जो साइक्लिस्ट है ये साइक्लिस्ट है, ऐसे बनाया था आपने, ये हैंडल आपने ऐसे बनाया था, याद करो। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट याद है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या करवाया था कि अगर ये साइक्लिस्ट थीटा एंगल इधर बेंड हो गया ऐसी था, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कहाँ लगी थी, ऐसे लगी थी कि ऐसे लगी थी एंगल थीटा पे, बोलो। एंगल पे लगी थी, और अगर एंगल पे लगी थी तो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है। साइकिल वाला इधर बेंड हो रहा है तो इसका सेंटर भी कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना सीखना है। तो नेक्स्ट है, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे लूँ तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। इसके तो कॉम्पोनेंट्स होंगे एन कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा, और इसका वेट क्या होगा, एम जी। अब मुझे पता है कि एन कॉस थीटा किसके इक्वल है, वेट एम जी, और उसी तरीके से एन साइन थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है, टूवर्ड सेंटर, और ये क्या प्रोवाइड करेगा इसे, सेंट्रिपिटल। तो मान लो आर इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूँ तो टेन ऑफ थीटा साइन अपॉन कॉस टेन आंसर आएगा वी स्क्वायर बाय आर जी, यही आपका एंड का रिजल्ट था उसमें, ठीक है। इक्वेशंस बात अलग है, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, साइकिल वाले केस में कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल, एन साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इसी में अगर आपको याद हो एक साइकिल एक ट्रैक था, लेवल रोड बोलते हैं, लेवल रोड था, ये लेवल रोड है। इस लेवल रोड के अंदर आपको एक कार घूमती हुई दिखाई देगी, गोल गोल कार जो है सर्कल में घूम रही है, तो इसकी सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। बैंकिंग नहीं हुई हुई, बस सिंपल कार घूम रही है, तो ऐसे केस में कौन प्रोवाइड करती है सेंट्रिपिटल, फ्रिक्शन, और तो कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन एक्ट करेगी टुवर्ड सेंटर एंड सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करेगी। अब इसमें इसका वेट कार का एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एन है, क्योंकि फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करेगी, तो फ्रिक्शन क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाय रेडियस आर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन एम वी स्क्वायर बाय आर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम टाइम्स जी इस केस में इज एम वी स्क्वायर बाय आर, ये कैंसल, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, इसका आंसर आ गया था। ऐसे किया था, याद करो, एक लाइन का काम था टोटल, ऐसे ही था, बेसिक फॉर्मूला तो यही था, कॉन्सेप्ट तो यही है ना। देखो हमने इस चैप्टर में यही देखना है कि कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सिंपल है बस। किस केस में क्या सेंट, साइकिल में एन साइन थीटा है, एक लेवल रोड में कार घूमती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है, जो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था, वो था बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। अगर आपको याद हो बैंकिंग, बैंकिंग में क्या होता था, आप एक लेवल इसको उठा देते थे इस सड़क को बाय एन एंगल ऑफ क्या, थीटा, उठा दिया आपने। जब आपने इसको उठा दिया तो आपकी गाड़ी कुछ ऐसे मूव कर रही है, गोल गोल मूव करेगी, इसका सेंटर यहाँ पर होगा,
ट्रैक ऐसे था पहले, अब ट्रैक ऐसे घूम रहा है सर्कल में ऐसे। तो पहले ट्रैक मेरे हाथ की तरह सड़क है, अब सड़क ऐसे घूमेगी सर्कल में, तो गाड़ी सड़क पे ऐसे चलेगी, इसी एंगल पे ऐसे चलेगी। तो इस केस में जो फोर्स, जो एक इसका जो कंपोनेंट है वेट का, वो तो ऑब्वियसली कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा एन। ठीक है, डायग्राम साथ साथ बनाते रहें प्लीज। नॉर्मल रिएक्शन एन और वेट एम जी। ठीक है यहाँ तक। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू, ऑब्वियसली इसको अगर ये थीटा एंगल बोलेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये कार देखो, सड़क पे जब ये कार घूमती थी, पिछला हमने क्वेश्चन बनाया था, तो सड़क पे ये कहाँ गिरने की कोशिश करती थी, बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ थी पिछले केस में, अंदर की तरफ। अब क्या होगा, सड़क ऊपर उठ गई, तो फ्रिक्शन जो इधर थी, अब फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगी टेढ़ी। सड़क अगर कार ऐसे चल रही थी पहले स्ट्रेट रोड पे, तो फ्रिक्शन यहाँ पर थी, अब ये सड़क ऐसे होगी तो फ्रिक्शन यहाँ पे होगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में इस डायरेक्शन में होगी। ये क्या है आपकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो, और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो एक कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा। अब ये बताओ, ये दोनों फोर्सेस कितनी, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा सेंट्रिपिटल प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि कहाँ कर रही हैं, टुवर्ड्स सेंटर। और एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये अगर एफ है, ये एफ कॉस थीटा है, तो एक वेक्टर और नीचे आएगा, एफ साइन थीटा। तो n cos थीटा इज इक्वल टू f साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, mg। तो यहां से फिर डेरिवेशन स्टार्ट होती है, और आप वेलोसिटी v की एक बड़ा सा फॉर्मूला निकालते हैं, हमने फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी किया हुआ है वो फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि कैसे चल रहे हैं इसमें, हमें तो क्लियर है। मेन बात है प्रैक्टिस, कि आपको ना एकदम पता होना चाहिए। देखो मैं तो देख भी नहीं रहा थ्योरी कहां पर है, पर मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि इसमें एन का कंपोनेंट है और इसमें एफ का कंपोनेंट है। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप अगर ये सोचें कि एक बार सुन लिया था, दूसरी बार हो नहीं रहा, आप नेचुरल है, दूसरी बार कैसे होगा यार, जब तक तो बना बना के देखेंगे नहीं तब तक तो कैसे होगा। इसीलिए एनसीईआरटी के टेस्ट लिए जाते हैं डेरिवेशन के, ताकि आपको ये टेस्ट कर सकें कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ये भी क्लियर है। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती थी कुछ, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज थे। फिर ना कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है सर्कुलर का अलग अलग तरीके से। अब मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम क्लियर होती जाएंगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, देखो आपको ये नहीं कह सकता कि ये लो आप लिखो, आप लिख 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 के डायरी नोट्स कर लो, काली किताबें जितनी करनी है, तो उसे हो क्या जाएगा, ये तो बता दो। गेम माइंड गेम है, माइंड हाथ चलना चाहिए साथ में और दिमाग फोकस बोर्ड पे, यानी कि हाथ नहीं रुकना चाहिए, साथ साथ हाथ भी चलना, प्रैक्टिस पर करते जाओ साथ साथ। ये हाथ से बनाओगे ना एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है, साथ साथ बनाने अपने रफ में जो मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सर्कल, हमने दो किस्म की सर्कल्स की है इसमें, हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल। तो अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल की, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक बॉडी घूमती है, ठीक है, एक पत्थर घूमता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो रूल नंबर वन, जब भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई भी पत्थर घूमेगा, तो उसकी जो फोर्स है, ऑब्वियसली यहां पर क्या, ये स्ट्रिंग के साथ घुमाओगे तो घूमेगा नहीं, तो जब ये स्ट्रिंग के साथ आप घुमाओगे तो स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, टेंशन। तो स्ट्रिंग में क्या आ गई, टेंशन डेवलप हो गई, राइट, क्लियर है यहां तक। ये स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो गई, टेंशन। अगर आप पत्थर का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, पूरी स्ट्रिंग को मत देखें, सिर्फ पत्थर को देखें, अलग से बना रहा हूं, ये आपका पत्थर है और इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है टेंशन टी। ये टेंशन तो सेंटर के ऊपर एक्ट कर रही है, अपने हाथ के ऊपर एक्ट कर रही है, पत्थर के ऊपर चेक करें सिर्फ एक ही फोर्स है टी, और जहां जो कहां एक्ट कर रही है, इस पत्थर के घूमने के सेंटर पे काम कर रही है,
चेक करो, ये फोर्स टूवर्ड सेंटर है, तो यहां पर टेंशन ही प्रोवाइड करेगी इसे सेंट्रिपिटल। तो ऐसे केस में टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्लियर है कि ऐसे केस में जब भी कोई पत्थर हॉरिजॉन्टल घूमेगा तो टेंशन प्रोवाइड करती है सेंट्रिपिटल। वो अलग बात है कि अगर किसी क्वेश्चन में ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और अगर किसी क्वेश्चन में वी की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर लेना। तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो पत्थर जब घूमेगा हॉरिजॉन्टल टेंशन प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल। जैसे सपोज क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, कैसे, ये मास एम है, ये मास एम है और ये रहा मास एम और ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक और मास एम है, मतलब एक मास तो एम है ही है, यहाँ पे एक मास तो है ही है, एक यहाँ पर भी है, दो मासेज हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर दो मासेज हैं तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। ये दोनों के दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगी, टी वन एंड टी वन, और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी, टी टू एंड टी टू। कोई डाउट इसमें, टेंशन टी वन टी टू टी टू, राइट। तो अगर आप इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी, टी टू, और लंबाई इसकी ये 1 मीटर है और ये स्ट्रिंग भी 1 मीटर है। तो इस स्टोन के लिए टेंशन टी टू के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एम लेंथ की जगह 2 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, क्या बनेगी इक्वेशन, उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है टेंशन, बस टेंशन टूवर्ड सेंटर है एम आर ओमेगा स्क्वायर और रेडियस का 2 मीटर है। लेकिन अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो बताओ इसके लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स है, टी वन, और राइट की तरफ कौन सी फोर्स है, टी टू। नेट फोर्स कहाँ एक्ट करनी चाहिए, टूवर्ड सेंटर, क्योंकि ये किस में घूम रहा है, इन अ सर्कल। तो बोलो अगर नेट फोर्स टूवर्ड लेफ्ट होनी चाहिए तो नेट फोर्स होगी क्या, टी वन माइनस टी टू, तो टी वन माइनस टी टू होगी। तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज एम इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, यहां से डिवाइड कर लेना और जो निकालना आंसर आ जाएगा। मेरा काम आज के लेक्चर में आपको एक डायग्राम बनाना सिखाना और टेंशन और फोर्सेस की इक्वेशन बनाना, मैथ्स आपका अपना अपना आप सॉल्व करेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको कि कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें? तो आज की बात इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स की हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मिलेगी नहीं। ज़्यादा जो कन्फ्यूजन लोगों को रहती है वो किस में होती है, वर्टिकल सर्कल में, क्योंकि वर्टिकल सर्कल में साथ में क्या लगती है, एनर्जी कंजर्वेशन और साथ में फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी इकट्ठे लगता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, हमसे फोर्स नहीं संभल रही और ये साथ में एनर्जी भी लगवा रहा है, ठीक। इट्स ओके, नेचुरल है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी मैं तो आपको वॉर्न ही किया था सर्कुलर मोशन में, थोड़ा आराम से चलना, इसको प्रैक्टिस करना, ये आपको तंग कर सकता है, मैं आपको बोला था आपको शुरू में, वर्क पर एनर्जी भी आपको खूब तंग कर सकता है, अभी नहीं कर रहा लेकिन बड़ा बहुत है, न्यूमेरिकल वैरायटी बहुत है। अगला चैप्टर कोलिजन आपको पसंद आएगा, आप एंजॉय करोगे, आपको कहीं शुक्र है, कम से कम बढ़िया चैप्टर है, ठीक। सेंटर ऑफ मास भी ठीक लगेगा, फिर रोटेशनल आपको सर्कुलर का भाई है, रोटेशनल सेम है, कॉपी है, तो फिर सर्कुलर द्वारा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ठीक चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, तो चलो देखते हैं कि आगे कितना कोर्स पड़ा हुआ है। तो अभी इसमें जो अलग टाइप की प्रॉब्लम है वह वर्टिकल सर्कल। देखो जो वर्टिकल सर्कल होते हैं वो ऐसे पत्थर ऐसे घूमेगा, डेथ वेल में, मौत के कुएं में बाइक उल्टी चलेगी, बाल्टी पकड़ के उल्टी हो जाएगी ऊपर और फिर सीधी हो जाएगी, ये सब वर्टिकल सर्कल है। इवन पेंडुलम का टू एंड फ्रो मूव करना इज अ वर्टिकल सर्कल, ये भी वर्टिकल है, ठीक है। कंप्लीट सर्कल नहीं है, पार्ट ऑफ सर्कल तो है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कॉन्सेप्ट एक जैसा लगना है इनमें। तो वर्टिकल सर्कल में रूल नंबर वन, कोई क्वेश्चन आ जाए भूलना नहीं, बहुत क्वेश्चन आने हैं वर्टिकल पे। रूल नंबर वन, जब आप रस्सी से एक पत्थर को घुमाएंगे वर्टिकल सर्कल में तो लोएस्ट पॉइंट पर वेट कहाँ एक्ट करेगा, बोलो, वर्टिकली डाउनवर्ड बनाए साथ साथ। टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर की तरफ ऐसे, और लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि जोर सबसे ज़्यादा लोएस्ट पे ही लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इक्वेशन क्लियर है।
अब क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल में है और क्योंकि इसकी वेलोसिटी मान लो लोएस्ट पॉइंट पर वी एल है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, और क्योंकि ये सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रिपिटल कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। कोई डाउट इसमें? तो अगर इसकी लेंथ एल है, इसका रेडियस एल है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ मुझे इस मास एम का। इसके ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है? टी मैक्स। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है? एम जी। और नेट फोर्स कहाँ एक्ट होनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। तो बोलो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर में इक्वेशन क्या बनेगी इसमें? टी मैक्स माइनस एम जी, क्योंकि टी मैक्स टुवर्ड्स सेंटर है, एम जी अपोज कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि नेट फोर्स कहाँ आए? ऊपर आए। तो टी मैक्स माइनस एम जी। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये नेट फोर्स है जो कहाँ एक्ट कर रही है? वर्टिकली अपवर्ड। तो ये क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रिपिटल। ये लो, ये पहली क्वेश्चन है। तो कभी भी लोएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन बनेगी तो यही बनेगी हमेशा वर्टिकल सर्कल में, भूलना नहीं है। इक्वेशन कैसे बनेगी? क्लियर है यहां तक? तो लोएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्लियर है। अब अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट में फिर से एक बार, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम है? जो वेट है वो कहां करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और ये वेलोसिटी है वी एच, वी एच का मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां पर जो टेंशन होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, वो हमेशा क्या होती है? मिनिमम। तो हाईएस्ट पॉइंट पर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितनी एक्ट कर रही है? एक तो टी मिनिमम भी एक्ट कर रही है और साथ में क्या एक्ट कर रही है? वेट एम जी भी कर रही है। तो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर टी मिनिमम प्लस एम जी, और ये क्या प्रोवाइड करेगी इसे? सेंट्रिपिटल। ये सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इक्वेशन बनानी आ गई? तो जितने भी वर्टिकल सर्कल में कोई, इनमें इक्वेशंस बनानी आ गई, डायग्राम बनाने आ गए आपको, साथ साथ बना रहे हैं, बनाते जाएं ताकि प्रैक्टिस हो जाए टेंशन और फोर्सेस की। ठीक है, अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर देखो आप कितनी भी तेज वर्टिकल सर्कल में पत्थर को घुमा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी चाहे ले लें, हाईएस्ट पे जो चाहे वो ले लें, आपके ऊपर घुमाना आपने है। पर एक केस आता है कि मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी, कि अगर उससे कम वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल सर्कल में घूम ही नहीं पाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट अगर मैं मिनिमम वेलोसिटीज का केस सॉल्व करूं, लेकिन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, अगर उसने बोला कि ये केस मिनिमम वेलोसिटीज का है, मिनिमम चक्कर काट सकता है, फिर तो आप इसमें मिनिमम का केस यूज करें। अगर नहीं बोला फिर आप ये कॉन्सेप्ट यूज ना करें, फिर जो क्वेश्चन में गिवन है वो यूज करें। तो मिनिमम वेलोसिटी के केस में अगर आपको कम से कम एक चक्कर काटना है, तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम क्या हो जाती है? जीरो। मतलब बहुत कम हो जाती है, बहुत कम को यहां पर जीरो मानना चाहता है, जीरो। तो जब आप ये मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, इसकी डेरिवेशन भी की थी हमने, तो मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला आया था अंडर रूट ऑफ 5gL या 5gR, और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या आता है? अंडर रूट ऑफ gR या gLA की बात है। तो दो फॉर्मूलाज आए थे, लेकिन वो तब यूज करने हैं जब आपको मिनिमम केस गिवन हो, या उसने ये बोला हो कि बताओ मिनिमम वेलोसिटी क्या हो लोएस्ट पॉइंट पे कि पार्टिकल एक चक्कर पूरा कर जाए, बस एक ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्लियर है यहां तक? हाँ, अगर एक चक्कर करना है तो लोएस्ट पॉइंट पर रूट 5gL, और अगर एक चक्कर करना है हाईएस्ट पे जीरो नहीं हो सकती, कुछ तो वेलोसिटी होगी और वो क्या होगी? रूट जीएल। दो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन वो तभी होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जब मिनिमम बोला हो। नहीं बोला तो मत लगाना फॉर्मूलास। तो यहां तक क्लियर है? दूसरा, मिनिमम के केस में अगर मिनिमम का केस है, तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, इनका डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल आता है? 6mg। ये रिजल्ट है प्लस वन में, मेरी बुकलेट में चेक कर सकते हैं। तो उसमें टी मैक्स माइनस टी मिनिमम का रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल टू 6mg। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये नेक्स्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कल में। अब कई बार होता है कि ठीक है यार, मैं कहता रहा हूँ मिनिमम है पर मिनिमम ना आए। फिर तो मान लो एक क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कल का, वर्टिकल सर्कल में लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर्स पर सेकेंड, और ये मिनिमम नहीं है,
बस कुछ भी 5 दे दिया, और सपोज इसका जो रेडियस है वो है 1 मीटर, ठीक है। आपको बताना है हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इसकी क्या होगी जब लोएस्ट की वेलोसिटी इसकी 5 है। अब तो हमने वर्क एनर्जी पार भी कर लिया, उसमें हमने क्या किया कि अगेंस्ट ग्रेविटी जब जाते हैं तो फोर्स कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। या हमने तो हम ऐसा करें, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, तो यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, इनका सम क्या कर लेंगे इक्वल। तो यहाँ पर पोटेंशियल होगी क्या, यहाँ पर होगी एम जी इंटू हाइट। अब हाइट क्या बनेगी, 1 + 1 2 मीटर, और काइनेटिक क्या बनेगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। वी मुझे निकालना है, मतलब अगर वर्टिकल सर्कल में एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन हो और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 0, लोएस्ट पॉइंट है, ग्राउंड है ये, और काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू 5 का स्क्वायर। फिर आप लोएस्ट और हाइएस्ट की एनर्जीज को इक्वेट कर लें, जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके आपके पास एम 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 कैंसल, जी की वैल्यू पुट करके वी निकाल लेना आंसर। मतलब एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है वेलोसिटी निकालने का, और वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन हो, चाहे ऊपर की चाहे नीचे की, और दूसरे की निकालनी हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन ही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, वर्टिकल सर्कल में ही जब एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन हो, वेलोसिटी निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, पक्की बात है। पर कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है जब अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करता है, स्पेशली कि जब वो सोल्यूशन देखता है, यार वो कहता है यार कभी कभी ये फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है और कभी कभी एनर्जी लगाया जा रहा है, हो क्या रहा है यार, कब कौन सी लगी समझ में नहीं आता, स्टार्ट कहाँ से करूँ न्यूमेरिकल। वैसे तो देखो बहुत क्लियर है, आप पहली बार इस शहर में शिफ्ट हुए, आपको ना यहाँ से मोड़ पे जाते हुए डर लगेगा मैं कहीं गली में अपना घर ना भूल जाऊँ। जब आप 5-7 साल रह लेंगे ना, आपको गली गली पता होगी कि किस गली में क्या कौन रहता है। प्रैक्टिस बोलते हैं, रोज वहीं धक्के खाओगे ना, हर एक एक एरिया पता लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है, आप यूज टू हो जाते हैं, अभी आप यूज टू नहीं है। अब मेरे को याद नहीं करना पड़ता, आप मुझे कुछ सब वेलोसिटी की मैंने दूसरी निकालनी है, मैं कहूँ एनर्जी कंजर्वेशन। आपको कि सपोज एक ब्रिज है और गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, वर्टिकल सर्कल, गाड़ी यहाँ पे है अभी, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, बोलो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, या इक्वेशन ऑफ सेंट्रिपिटल क्या बनेगी। तो देखो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, उसने कौन सा पूछा कि वी एक का गिवन है दूसरे का निकालना है। अगर वो एक पॉइंट की वेलोसिटी दे और दूसरे की पूछे, देखो फिर एनर्जी कंजर्वेशन है। पर यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर फोर्सेस की इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, ब्रिज का नीचे मिलेगा। और जो 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 नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्लियर है ये भी, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऑब्वियसली सेंटर से ही पास करेगा, और तो कहीं कर भी नहीं सकता। तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास कर रहा है, ये मान लो इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है ऐसे, और वर्टिकल के साथ इसने किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या बनाया, थीटा। आपको ये कैसे थीटा कैसे आ गया, स्टैंडर्ड है, जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है तो वर्टिकल के साथ स्टैंडर्ड एंगल थीटा बनता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स दिखी जाती हैं और वो सेंटर पे जाके बनती है, राइट। सस्ता सा फटाफट बनाना, देखना नहीं है, देख के समझ में आएगा। तो कार जब भी ऊपर चढ़ेगी, गाड़ी तब भी ऊपर चढ़ेगी, तो सबसे पहले क्या इसमें लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ये रहा एन, ठीक है। क्यों बनाएंगे ये भी बता देता हूँ, मैंने इसमें आपको फोर्स की इक्वेशन बना के दिखानी है। अब क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, तो नेट फोर्स कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर। तो एक तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा क्या लग रहा है, इसका वेट। इसका वेट क्या है, एम जी। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो वेट का एक कंपोनेंट यहां पे लगेगा एम जी कॉस थीटा,
और एक कंपोनेंट चाहेगा कि ये कार ऊपर ना जाए, एम जी साइन थीटा। क्या ये क्वेश्चंस क्लियर हैं? हम इसमें एम जी साइन थीटा में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमारी कार तो ऊपर जा ही रही है। हम इंटरेस्टेड हैं इसमें सेंटर के अलोंग फोर्सेस में। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि सेंटर के अलोंग जो फोर्सेस हैं उसमें सेंटर के अलोंग, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सेंट्रीपेटल फोर्स कितनी है, वो कहाँ एक्ट करनी चाहिए? टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की, तो सेंटर की तरफ बोलो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? एम जी कॉस थीटा। इसके ऑपोजिट कौन है? एन। लेकिन हम चाहते हैं नेट फोर्स कहाँ एक्ट करे? टूवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर की नेट फोर्स बोलो क्या बनेगी? एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन। और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर वी है, इज एम वी स्क्वायर बाय इसका रेडियस क्या है? आर। इक्वेशन क्लियर है कैसे बनेंगी इसमें? देखो क्वेश्चन क्या आएगा वो क्वेश्चन में देखेंगे, पर पहला स्टेप समझ में आ रहा है कि कार जब ऊपर चढ़ेगी तो कैसे बनेगा। बनाते जाओ इक्वेशन प्लीज। ठीक है यहां तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो जब सेकेंड टाइम करोगे आप थोड़ा फ्रेंडली फील करोगे चैप्टर के साथ, कभी भी जब रिविजन होती हैं आप फ्रेंडली फील करोगे, आपको ठीक लगेगा। आप फर्स्ट टाइम करोगे आपको मुश्किल लगेगा हमेशा, कोई भी टॉपिक आपको लगेगा कि यार कहाँ बोझ पड़ गया, नई चीज़ सीख ली। दूसरी बार करोगे ठीक लगेगा। मैं आज अगर आपको फोर्स का लेक्चर दूँ बेसिक, आपको यार पता है यार टेंशन होती है, पहली बार आपको बताना पड़ता है, देखा एक्शन देखा रिएक्शन। मैं फोर्स फ्रिक्शन का भी लेक्चर लेने वाला हूँ ताकि जो जिनका बेसिक्स और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने हैं तो अपने कर सकते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, सिलेबस ज़्यादा निकल गया, फिर रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है, बहुत बड़े चैप्टर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे सेशन लगा के मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है? और इस तरीके से मैं आपको एडवांस में मैसेज डाल दिया करूँगा इन फ्यूचर। थोड़ा अभी तो जल्दी में डालना पड़ा क्योंकि कल टेस्ट है, मेरे को रिलाइज हुआ कि थोड़ा यार आज का दिन यूटिलाइज हो जाएगा अगर कोई कर सकता है तो। चलो लेक्चर ले लेते हैं, आगे से मैं पहले से भी एक पहले दो चार दिन या एक दिन पहले डाल दूंगा ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं कि आपको क्या करना है। हर नहीं, तुम पे तुम्हारे चेहरे पे डिपेंड करता है।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक इक्वेशन खुद बना के दिखाओ मुझे, नया क्वेश्चन है, मैंने करवाया नहीं, लो बनाओ। सपोज एक ट्रैक है, सीधी सड़क जा रही है और ऐसे मुड़ गई, गोल हो गया, एक ट्रैक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे, जब ये उल्टी कार चल रही होगी और ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस क्या है आर, यहाँ पे मुझे सेंटर और इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर कितनी है टेंजेंशियल वी, आप मुझे इक्वेशन बना के दिखाएंगे इसमें। और ये कार सर्कल में घूमेगी, कोई रस्सी नहीं बांध रखी, ऐसे ही मौत के कुएं में कार घूम रही है। बोलो क्या इक्वेशन बनेगी, क्या लगाएंगे इसमें, ये बताओ। सर्कल में घूम रही है मैंने बता दिया, कौन सी फोर्स लगेगी टुवर्ड सेंट्रिपिटल, फोर्स तो होगी ना सेंट्रिपिटल, बोलो क्या, पहली चीज माइंड में क्या आ रही है इसका, वेट। भाई भार लेके, क्या भार लोगे ही नहीं, वेट तो हर क्वेश्चन में लेना ही लेना है, तो वेट कहाँ करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो एक फोर्स ये हो गई, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं वेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, नहीं। एक और चीज है, बोलो क्या, टेंशन तो है ही नहीं, रस्सी है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, कौन बोला अभी, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि रस्सी तो है नहीं ना, जब आप किसी सरफेस के साथ साथ चल रहे हैं तो सरफेस हर वक्त क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट करेगा इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि आप उल्टे छत पे हो तो छत फोर्स लगा रही है। और यही केस अगर यहां बनेगा तो पता है क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां बनेगा और वेट कहां बनेगा, नीचे। समझ में आ रहा है, जो काम टेंशन कर रही थी वो काम इसमें नॉर्मल रिएक्शन करेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी वी डैश है, तो अगर इक्वेशन यहां बनाई जाए तो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या बनेगी, एन प्लस एम जी इज एम वी स्क्वेयर बाय आर। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? वो आपसे पूछ सकता है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन में। और लोएस्ट पॉइंट पर बोलो क्या बनेगी, नेट फोर्स कहां होनी चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वेयर बाय आर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें कैसे काम करेंगे, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जैसे प्रॉब्लम है, ये तो क्लियर हो गया कि कैसे इसमें इक्वेशन बनेंगी। देखो प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, तो मैं ना तो क्वेश्चन याद करके आ रहा हूं ना मैं सोल्यूशन याद करके आ रहा हूं, प्रैक्टिस है। क्योंकि मेरे को मालूम है रस्सी है तो टेंशन, नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरी फोर्स लाओगे कहां से ये तो बता दो। गेम ही तीन चीजों में चलती है, अगर आप पिछला 2 महीने देखो, या तो वेट या नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन, तीन फोर्सेस नहीं संभलती स्टूडेंट से 2 महीने में, सिर्फ तीन। कौन सी ऐसी पीएचडी का थीसिस लिख रहे हो तो बता दो, तीन फोर्सेस। और वेट बेचारा कुछ नहीं कहता, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, वो उसकी तो कहानी खत्म है। क्या रह गया, नॉर्मल रिएक्शन, रूल सिंपल है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। टेंशन, रस्सी टाइट है, टेंशन रस्सी में रहेगी, सारी गेम फोर्सेस की है ही नहीं, गेम इट वेक्टर की है, कि आप कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करते हो एक्स और वाई में, सारी गेम ही फोर्स और वेक्टर की चलती है। फ्रिक्शन लगा लो, चलो एक और फोर्स, चौथी फोर्स भी है, चलो चौथी फोर्स फ्रिक्शन भी लगा लो। जो बेचारी ये कहती है मैं तो अपोजिट ही काम करूंगी, बात खत्म, तुम मुझे स्लाइड करवाओगे मैं अपोजिट काम करूंगी, खत्म। चलो ये देखो, सपोज करो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक ये मैन है, ठीक है, और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, ये घूम रहा है विद ओमेगा। तो आप ये बताओ कि कितने ओमेगा से ये घूमे, ओमेगा आपको बताना है, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ताकि अगर मैं इसका फ्लोर हटा दूँ तो भी ये हवा में रहे, चिपका रहे, ड्रम के साथ साथ घूमे। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप की प्रॉब्लम में, जब आप इमेजिन करो कार में बैठे हैं, मुझे आंसर दो, कार सर्कल में घूम रही है, कार सर्कल में घूम रही है, तो अंदर पैसेंजर्स कहाँ गिरेंगे, टुवर्ड सेंटर कि अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। अब बाहर की तरफ गिरेंगे, आप देख लेना राउंड अबाउट तेज तेज घुमाना, आप बाहर की तरफ ही गिरेंगे हमेशा, राइट? क्यों? क्योंकि कार के पास क्या है, सेंट्रिपिटल, वो सर्कल में घूम रही है, उसकी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपिटल, पर अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर लगेगी सूडो फोर्स, क्योंकि कोई भी चीज जब एक्सेलरेट करती है, कार जब एक्सेलरेट करती है, अंदर पड़े सामान पे अवे फ्रॉम सेंटर फोर्स लगती है, जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही था, तो इसमें जैसे सिलेंडर घूम रहा है, सिलेंडर के पास क्या है, सेंट्रिपिटल,
पर अंदर जो मैन है जिसका मास एम है इसको क्या लगेगी, सूडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर कितनी, मास मैन का और एक्सेलेरेशन किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की एक्सेलेरेशन कितनी, आर ओमेगा स्क्वायर। इस सूडो फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सूडो फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब ये बंदा दीवार पे इतनी फोर्स लगाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, बदले में दीवार इसके ऊपर क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर फ्लोर हटा दें तो कौन सी फोर्स इसे नीचे गिरेगी, बोलो क्या, एम जी, एम जी, और कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप चाहते हैं नीचे ना गिरे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, म्यू टाइम्स एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल निकाल लेना यार, जो भी ओमेगा स्क्वायर निकाल लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ये लो, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ क्या, जी डिवाइडेड बाई म्यू इनटू आर। कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कौन कौन सी फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं, समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। ठीक, कोई डाउट इसमें, जैसे इस क्वेश्चन को अगर छोड़ दें और फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, चलो आपके पास से ये एक हेमिस्फेयर है, ये रहा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर घूम रहा है विद ओमेगा। इसमें याद है मैंने क्वेश्चन करवाया था, कोई इंसेक्ट है, ये रहा मास जिसका एम है, एम मास है, तो ये एक्चुअल में तो यहाँ पे था, नीचे था, पर आपने इसको घुमाना शुरू किया तो गोल 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 करके साइड पे आ गया। अब ये किस सर्कल में घूम रहा है, अब ये अपने ही अपने सर्कल में घूम रहा है ऐसे, बस जितनी तेज घुमाओगे ये उतना ऊपर मिलेगा, सर्कल उतना बड़ा बन जाएगा, और तेज घुमाओगे ये और ऊपर आ जाएगा, और तेज घुमाओगे हो सकता है ये बाहर खिसक के निकल जाए, पर अभी आप इतना घुमा रहे हो कि यहां घूम रहे। और आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में जो रेडियस गिवन है वो हेमिस्फेयर का गिवन है, और इसका जो रेडियस है वो नहीं गिवन, सपोज वो आर है, ये नहीं गिवन, क्लियर है यहां तक। तो इसमें इक्वेशंस क्या बनेंगी, और ओमेगा आपको निकालना है। देखो सबसे पहली चीज माइंड में क्या आती है, सबसे पहली चीज, मेरे सबसे पहली चीज माइंड में आती है वेट, इस इंसेक्ट का वेट कहाँ करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है, बना ले साथ साथ, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्लियर है। दूसरा, इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन, देखो टेंशन तो है नहीं इसके अंदर, ये तो है नहीं कि टेंशन लें, ये तो रेडियस है, धागा थोड़ा बंद रखा है। अगर टेंशन नहीं है तो दूसरी फोर्स कौन सी माइंड में आती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा, टूवर्ड्स सेंटर, ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एन। और इमेजिन करो जो ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, पहला एन कॉस थीटा और दूसरा टुवर्ड सेंटर, इसके सेंटर की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी है, एन साइन थीटा। तो n cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वेट mg के, और n sin थीटा फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स इंसेक्ट का सेंटर विल प्रोवाइड सेंट्रिपिटल एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको स्मॉल r तो गिवन नहीं होगा, आपको कैपिटल R गिवन होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में sin थीटा निकाल लेना, छोटा r बाय बड़ा R, तो छोटे r की वैल्यू r sin थीटा हो जाएगी। तो इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो n साइन थीटा इज m r साइन थीटा इनटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से आप इन्हें डिवाइड करके जो निकालने आंसर निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि फोर्सेस कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है यहां तक। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो सेंट्रिपिटल फोर्स उस बॉडी की कहाँ एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। इस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे एक्ट करती है, टेंजेंशियल। अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो इसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है,
जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट में और सेंट्रिपिटल फोर्स में हमेशा एंगल क्या बनेगा, 90। जहां मर्जी ड्रॉ कर लो, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो मर्जी ले लो, एंगल इनके बीच में 90। तो इसीलिए बोला जाता है वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंगल एफ और एस में हर वक्त क्या बनेगा, 90। हमने वर्क पर एनर्जी में किया ही था, ये सॉल्व किया था कॉस 90। ठीक है, यहां तक मैंने कहा सेंट्रिपिटल फोर्स कहां करती है, टुवर्ड सेंटर, और बॉडी की जो वेलोसिटी वेक्टर इधर है। क्यों है वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि कुछ देर के लिए बॉडी कैसे जाती है, लीनियर, फिर मुड़ती है। तो जब वो लीनियर जा रही है तो आर वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेंजेंशियल है, तो एंगल आर वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स में 90 है, तो वर्क डन जो है इसमें 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे पॉइंट है पेंडुलम। देखो जो पेंडुलम्स हैं, पेंडुलम के अंदर सबसे पहला रूल ये, अगर आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम के अंदर जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल की इक्वेशंस इसमें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो वर्टिकल की इक्वेशंस कैसे, जैसे जब ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करेगा, मान लो ऐसे, मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो जब ये इधर से इधर से इधर से इधर आएगा या ये इधर से इधर जाएगा, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सट्रीम पॉइंट पर 0 और मीन पॉइंट पर मैक्सिमम। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जब ये मान लो इधर से इधर आ रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, टेंजेंशियल, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है। ठीक है यहां तक? अब इस केस में, इस स्ट्रिंग में, इसका मास अगर m है, और मैं बोलूं कि यहां पर इक्वेशन बना के दिखाओ फोर्सेस की, कि इसमें टेंशन, देखो इसमें टेंशन होगी, स्ट्रिंग में तो हमेशा टेंशन होती है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता पेंडुलम्स में, तो टेंशन कैसे एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। ये देखो, ये इसकी क्या आ गई, टेंशन, इधर भी लगेगी पर आप इधर लो, तो इस बॉब के ऊपर टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, ये इसका सेंटर है। अगर सर्कल ड्रॉ करें तो ये सेंटर बनेगा पेंडुलम का, तो ये टेंशन टी है। नेक्स्ट चीज, इसमें नेक्स्ट फोर्स क्या एक्ट करेगी, इसका वेट, वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो यहां पर नेट फोर्स कहाँ एक्ट होनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर। तो नेट फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, ये लो। तो बोलो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है, इसमें टी, और अपोजिशन में कौन है, एम जी, तो नेट फोर्स क्या बनेगी, टी माइनस एम जी, और इसकी लेंथ अगर एल है तो एम वी स्क्वायर बाय एल। आंसर ये तो वही है, वर्टिकल सर्कल की क्वेश्चन है, सेम गई थी, वर्टिकल सर्कल सेम था। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, पहला केस क्लियर है? दूसरा केस, पेंडुलम के अंदर लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन की क्वेश्चन क्लियर है, कैसे बनेगी, अगर पेंडुलम का क्वेश्चन आएगा लोएस्ट पॉइंट पे यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा, अगर पेंडुलम के अंदर मान लो ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट है, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0, पर अभी पेंडुलम एक्सट्रीम पे गया नहीं है, अभी पेंडुलम कहां पर है, यहां पर है, राइट, यहां पे है, तो मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसमें ठीक भी, तो इस केस में किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, एंगल क्या है, थीटा। तो अब इस पॉइंट पर इक्वेशंस क्या बनेंगी, क्योंकि अभी भी ये घूम तो सर्कल में ही रहा है, घूमेगा तो ये अभी भी सर्कल में, तो कुछ तो इक्वेशन बनेगी इसमें। तो रूल नंबर वन, इसमें इक्वेशन ऐसे बनती हैं, इसकी टेंशन कहां एक्ट करेगी, टूवर्ड्स सेंटर, इसका सेंटर है। दूसरी फोर्स इसमें क्या एक्ट करेगी, इसका वेट, इसका वेट कहां एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये रहा, ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अगर ये थीटा, अगर ये मान लो थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी क्या, थीटा, तो किसी थीटा एंगल पर समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो वेट का एक कॉम्पोनेंट कहां एड करेगा, एम जी,
कॉस थीटा, और एक फोर्स पेंडुलम को नीचे लेके आने की कोशिश करेगी एम जी साइन थीटा। स्टैंडर्ड डायग्राम है भाई, हर पेंडुलम में यही बनेगा, राइट? तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें, क्योंकि इट इज मूविंग इन अ सर्कल तो नेट फोर्स कहां होनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। तो कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर है? टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो क्या बनेगी? टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम, मान लो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी है, एम वी स्क्वायर बाय एल, दिस इज इक्वेशन। तो पेंडुलम अगर लोएस्ट पॉइंट पे है तो क्या बनेगी? किसी एंगल थीटा पे है तो क्या बनेगी? इक्वेशन समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, जैसे पेंडुलम की प्रॉब्लम्स में अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ये गिवन है कि जैसे ये 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस एल है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ है अभी, तो उस केस में अगर मैं इसे ग्राउंड मान लूँ, लेट अस सपोज ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये एक इमेजिनरी लाइन है और कुछ भी नहीं है, और आपसे ये पूछूं कि ये हाइट क्या है, ये हाइट क्या है, तो मैंने सिखाया था आपको कि ये हाइट अगर आपको निकालनी है तो टोटल पेंडुलम का डिस्टेंस कितना गिवन है? एल, टोटल एल गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल लें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स क्या आएगा? कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू एक्स बाई एल, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? L इंटू कॉस ऑफ 30, तो H क्या आएगा? L माइनस L इंटू कॉस ऑफ 30 लिखवाया था ना मैंने, L माइनस L कॉस थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक कि हाइट्स कैसे निकलती हैं? यहां तक तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है इसको समझते हैं। देखो इसको ऐसे यूज करते हैं कि सपोज करो एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का मास 1 kg है, ठीक है, ये पेंडुलम की लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये गिवन है 10 meters per second, ये गिवन है। पेंडुलम अभी 30 डिग्री यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, अभी चल रहा था, आपको बताना है इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। देखो पेंडुलम सर्कुलर मोशन का पार्ट है, अगर इस सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन हो और दूसरे की निकालनी हो तो क्या लगता है? एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें फोर्सेस टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फोर्सेस तो तब लगती हैं जब टेंशन के साथ कुछ रिलेशन हो, जब वेलोसिटी गिवन हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे? लोएस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 meter है, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू एग्जैक्टली सेम। तो अब इस केस में क्या करना है आपको? इसको लोएस्ट पॉइंट को ना ग्राउंड मान लो, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, तो अगर ये आपका ग्राउंड है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये लो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? उसके लिए आपको ये हाइट चाहिए होगी, ये हाइट अभी मैंने आपको निकालनी सिखाई, 1 minus 1 into cos of 30, एल माइनस एल कॉस 30 सेम, राइट? तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? एम जी इंटू 1 माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 30,
और काइनेटिक यहाँ पर क्या आएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। पोटेंशियल लोएस्ट पॉइंट पर क्या आएगी, जीरो, और यहाँ पर काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। इन्हें इक्वेट कर लें तो हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी वन माइनस वन इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। एम 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 कैंसिल, सॉल्व करके भी निकाल लेना। तो पेंडुलम के किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में आपको एक वेलोसिटी गिवन हो और दूसरी निकालनी हो तो एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे सपोज किसी भी एक वर्टिकल सर्कल में, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बताओ कितनी हाइट से हम इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करें। रिलीज का मतलब यू अभी क्या है, जीरो, ताकि ये जो ब्लॉक एक कंप्लीट चक्कर पूरा काट ले, एक कंप्लीट चक्कर पूरा काट ले, एक मतलब आपको यहां पर वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, मिनिमम, जो क्या थी, इसका रेडियस कितना है, आर। तो वेलोसिटी मिनिमम क्या है, लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ 5 RG। एक चक्कर के लिए तो आपको यही वेलोसिटी लेनी पड़ती है, अब ऑटोमेटिकली मिनिमम का केस हो गया ये। तो इस पॉइंट में, इस मतलब क्वेश्चन में वर्टिकल मोशन है, एक की वेलोसिटी गिवन है u इज इक्वल टू जीरो और दूसरे की वेलोसिटी भी गिवन है आपको, इसमें h निकालना है इन टर्म्स ऑफ r। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर अगेन सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ये लो सेम। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे, एम जी एच, काइनेटिक क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल यहां पर क्या होगी, जीरो। काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू अंडर रूट ऑफ 5 RG का स्क्वायर। तो इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके आप एच आएगा इन टर्म्स ऑफ आर आंसर। अगर एक चक्कर गिवन है तो रूट 5 GR ही लेंगे, अगर एक चक्कर गिवन है रूट 5 RG लेंगे बस, और ऐसे क्वेश्चन में एक चक्कर ही गिवन होता है, मिनिमम वेलोसिटीज। यहां तक जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, आपके पास एक डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रही है विद ओमेगा, और यहां पर एक कॉइन पड़ा हुआ है, कॉइन, और यहां फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। तो डिस्क घूम रही है, कॉइन गिर भी सकता है बाहर की तरफ, कॉइन देखो डिस्क के पास तो सेंट्रिपिटल है, वो घूम रही है, पर कॉइन जो है इसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी, कॉइन का अगर मास एम है सेंट्रीफ्यूगल लगेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सामान जो पड़ा हुआ है वो बाहर गिरेगा, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स। पर एक डिस्क है, डिस्क घूम रही है विद ओमेगा, ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है, कॉइन बाहर गिर सकता है, कॉइन पे कौन सी फोर्स बाहर गिरेगी, सेंट्रीफ्यूगल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कॉइन इंटू सेंट्रीपिटल एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा कि यहाँ पर ना फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है जिस वजह से कॉइन गिर नहीं रहा, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर। और अगर आप चाहते हो कॉइन नीचे ना गिरे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये लो। तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एम क्या हो गया, कैंसल, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय आर। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय आर, कुछ ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें, कि कब ये कॉइन गिरेगा कब नहीं गिरेगा, ये समझ में आता है सबको।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मेन मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं, जिसके अंदर देखो क्या आएगा, या तो टेंशन आ जाएगी, या कोई गाड़ी ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगी, ब्रिज के ऊपर जाएगी, ब्रिज के नीचे जाएगी, और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। तो कोई भी अगर केस होगा वो इस तरीके से सॉल्व होगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई तरीका